हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन दिस चैनल वी लर्न इंग्लिश थ्रू शॉर्ट स्टोरीज नाउ लेट्स बिगिन तो दोस्तों आज का हमारा स्टोरी है द लियोपार्ड एंड द हॉर्स लियोपार्ड मीन्स होता है तेंदुआ और हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा हम जानते हैं वन डे अ हॉर्स केम अक्रॉस अ हंगरी लियोपार्ड हु वॉज वॉकिंग इन सर्च ऑफ शम फूड वन डे यानी एक दिन ए हॉर्स यानी एक घोड़ा कम एक्रोस यानी कैम एक कम एक का मतलब होता है अचानक जब हम किसी से मिलते हैं या भेंट करते हैं तो उसके लिए वर्ड है कम एक यानी किससे मिला अ हंग्रीलियो लियोपार्ड से एक भूखे तेंदुए से मिला हु वॉज वॉकिंग यानी तेंदुआ जो है वो वॉकिंग कर रहा था यानी टहल रहा था इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की खोज में किसकी खोज में वो टहल रहा था तो शम्फूड यानी कुछ भोजन की तलाश में वो टहल रहा था क्या हुआ द हॉर्स वॉज फ्रैटनड हॉर्स यानी घोड़ा डर गया भयभीत हो गया फ्रैटन मीन्स होता है डरना भयभीत होना टू सी हिम उसे देखकर वो डर गया द हॉर्स न्यू यानी घोड़े को मालूम था पता चला की सुन ही वुड बी अटैक्ड यानी जल्द ही सुन मीन्स जल्द ही ही वुड भी अटैक्ट यानी द हॉर्स वुड भी अटैक यानी घोड़े पर अटैक किया जाएगा किसके द्वारा बाय द हंगरीली ओपार्ट यानि यह हॉर्स को पता चल गया कि अब हम हंगरीलियो पार्ट हम पर क्या करेगा हमला करेगा द हॉर्स सॉरी द हॉर्स वॉज वाइज यानि घोड़ा जो है बुद्धिमान था चालाक था ही डिड नॉट लूज हिज कूल यानि वो शांत रहा घबराया नहीं वो अपना एकदम से शांत रहा कूल रहा दॉर्स सेट टू द लियोपार्ड हॉर्स ने लियोपार्ड से कहा क्या कहा आई नो यू विल किल मी शून कि तुम मुझे मार दोगे जल्द ही मार डालोगे हावर आई हैव ए रिक्वेस्ट लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरी एक प्रार्थना है क्या प्रार्थना है द लियोपार्ड आस्ट लियोपार्ड ने पूछा टेल मी व्हाट इज़ योर रिक्वेस्ट मुझे बताओ तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है हॉर्स रिप्लाइड हॉर्स ने रिप्लाई किया उत्तर दिया क्या उत्तर दिया माई वाइफ इज अलोन मेरी पत्नी अकेली है कहाँ पर एट होम घर में अकेली है एंड इज़ वेटिंग फॉर मी और वो मेरे मेरा इंतज़ार कर रही है वेट फॉर मीन्स होता है इंतजार करना किसी के लिए आई एम वेटिंग फॉर हिम ही इज़ वेटिंग फॉर मी इस तरह यूज़ करते हैं इसको इफ़ यू किल मी अगर तुम मुझे मार डालोगे सी विल बी लेफ्ट ऑल एलोन इन दिस वर्ल्ड सी विल बी लेफ्ट यानी वो अकेली रह जाएगी सी विल बी लेफ्ट ऑल एलॉन यानी वो अकेली रह जाएगी क्या इस दुनिया में वो अकेली हो जाएगी आई रिक्वेस्ट यू मेरी प्रार्थना है तुमसे ए मी ए मीन्स होता है साथ में चलना ए कंपनी मीन्स होता है साथ चलना या किसी का कंपनी देना ये कहता है हॉर्स कि आई रिक्वेस्ट यू टू ए मी कि आप मेरे साथ चलें कहाँ पर टू माई प्लेस मेरे स्थान पर जहाँ मैं रहता हूँ एंड इट बोथ अ फस और हम दोनों को खा लें बोथ अस मीन्स होता है दोनों ऐसे बोथ मीन्स होता है दोनों सो दैट नन अस विल रिमेन अलाइव ताकि सो दैट मीन्स होता है ताकि ताकि नन अस मतलब हम में से कोई नहीं विल रिमेन अलाइव हम में से कोई जिंदा नहीं बचे टू क्राई फॉर द अदर एक दूसरे के लिए रोने रोने के लिए नहीं बचे जिंदा द लियोपार्ड हैप्पली एग्रीड लियोपार्ड खुशी से वो एग्री हो गया सहमत हो गया एंड एक्म्पनीड द हॉर्स और हॉर्स के साथ वो चल पड़ा ए कंपनी कहाँ पर टू हिज स्टेबल स्टेबल बोलते हैं जहाँ घोड़े को रखा जाता है उसको स्टेबल बोलते हैं तो वो स्टेबल की ओर उस घोड़े के स्टेबल की ओर चल पड़ा वेन द मास्टर ऑफ द हॉर्स शॉ द ले पार्ड कमिंग विध हीज हॉर्स वैन यानि जब जब उस घोड़े का मालिक देखा क्या देखा द ले पार्ड कमिंग यानी ल्योपार्ड आ रहा है विद हीज हॉर्स उसके हॉर्स के साथ ल्योपाड आ रहा है ही प्रिपेयर हिम सेल्फ उस विद अ सॉलिड स्टिक यानी तब तक वो एक सॉलिड स्टिक वो लेकर तैयार था स्टिक मीन्स होता है छड़ी वो लेकर तैयार था एस उन एस जैसे ही एस as उनएस as का मतलब होता है जैसे ही जो ही द लियोपार्ड पार्ड रिस्ट देर जैसे ही लियोपार्ड वहाँ पहुंचा द मास्टर अटैक्ड मास्टर ने उस पर हमला कर दिया यानी मालिक ने किसके मालिक कौन से मालिक ने तो हॉर्स के मालिक ने मास्टर ने ही सॉरी द मास्टर अटैक्ट द लियोपार्ड लियोपार्ड पर अटैक किया एंड बीट हिम टू डेथ और तब तक पीटा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती यानी वो उसको तब तक मारते रहा जब तक वो मर नहीं गया कौन लियोपार्ड यहाँ एक शिक्षा मिलता है कि नेवर लूज करेज अपना साहस कभी नहीं खोना चाहिए साहस नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी कब इन ट्रबल कभी भी अगर मुसीबत पड़े तो अपना साहस और अपना बुद्धिमानी जो है उसको नहीं खोना चाहिए संयम से काम लेना चाहिए जैसे कि घोड़े ने लिया दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करना ना भूलें थैंक यू दोस्तों